हल्ले कमको। अब समझी मैं आई, ये संपदा है ना, ये शादी का नाटक कर रही है ताकि उसको पिल्लू की कस्टडी मिलने में आसानी हो जाए। लेकिन उसे क्या पता कि चाहे वो कितने भी हाथ पैर मार ले, पिल्लू को मुझसे अलग नहीं कर पाएगी वो। और कल्याणी, मैंने ना घर वालों को बताने की बहुत कोशिश की कि ये सब अथर्व का किया धरा है, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अरे आई, तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो? हमें खुश इस बात से होना चाहिए कि हमने संपदा और अथर्व की चाल कामयाब होने से रोक ली, और अब घर वाले ये बात मान नहीं रहे तो इसमें हमारी क्या गलती, हम क्या कर सकते हैं? तुम स्ट्रेस मत लो, तुम मुंह खोलो। आ नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी कल्याणी मैं ये सब नहीं खाती हूँ। ये सब का क्या मतलब है? बर्गर है ये, बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं ना मल्हार जी से पूछूंगी कि ये कहाँ से लेके आए, हम ना रोज कॉलेज जाते वक्त खाया करेंगे इसे। अरे हाँ, कॉलेज से याद आया, अपने कॉलेज में ना फेयर है। फेयर मतलब? मेला। अच्छा मेला, लेकिन कॉलेज में मेला? आई, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा मैं समझाती हूँ। तो कॉलेज में हर स्टूडेंट ना ऐसे अपने अपने एक स्टॉल लगाते हैं, ठेले, और बाहर वाले घर वाले सब वहाँ के खरीदारी करेंगे। तो जिसके स्टॉल पे यानी कि ठेले पे सबसे ज्यादा खरीदारी होगी ना, वो ठेला जीत जाएगा। अच्छा, अरे वाह। तो कल्याणी, हम वहाँ हमारी साड़ियों का भी स्टॉल लगा सकते हैं ना? मेरे ना तुम भी स्मार्ट हो गई हो, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन एक बार मैं औसाब से पूछ लेती हूँ। मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर बड़े मजे ले रहे हो ने? हा? बहुत ही चैप्टर हो तुम दोनों माँ बेटी। चाची देखो आप। खैर वैसे भी ना मैं तुम लोगों के झूठ पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती। करला आसो। वो क्या है ना कि मैं आसपास की औरतों को हल्दी कुमकुम का आमंत्रण देने जा रही थी, तो मुझे याद आया कि संपदा ने कहा था कि कल्याणी को भी हल्दी कुमकुम की रस्म में आना होगा, नहीं तो कहीं गुस्से में आकर संपदा पूरे घर वालों को घर से बाहर ना निकाल दे। करो। और माई आपको आने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना मैं संपदा को समझा दूंगी कि हल्दी कुमकुम की रस्म में मतलब सुहागनों की रस्म में आपका क्या काम हो कि नहीं। हेलो चाची, एक बात ना अच्छे से आप समझ लीजिए, आई वहाँ आना चाहती है या नहीं आना चाहती है उनकी मर्जी है, आप अपनी राय ना अपने पास ही रखिए तो बेहतर होगा। अब क्या गलत कह दिया मैंने? न मांग में सिंदूर न गले में मंगलसूत्र, कौन कहेगा इन्हें सुहागन? हाँ अब जाओ ना, प्लीज काम करो ना अपना जाके। रहने दो ना इनको, तो मैं बाद में देख लूंगी। कल्याणी छोड़ो ना, तुम्हें पता है ना पल्लवी कैसी है। ए, क्या क्या गोदा गोदा लगा रखा है, क्या गोदा गोदा। हाँ इन सब चीजों में तुमने साथ नहीं दिया मेरा। गोदा तुम्हारी बहन नहीं है? मैं अपने बंगले में अपनी बेशुमार दौलत के साथ सुख चैन के साथ बैठा हुआ था। ये उंगली मुझ पर उठा कर ना महान बनने की कोशिश मत करना संपदा। बच्चा चाहिए था ना तुम्हें? अगर मुग्धा बाहर आ गई तो दोबारा दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अकल नहीं है क्या तुम्हें? मैंने बोला था ना मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिलाऊंगा। बोला था ना तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिलाऊंगा, तो क्या जरूरत थी अपना ये दिमाग लगाने की। संपदा तुमने मुझे जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफें दी हैं, और मैं अथर्व बापट तुम्हारी गलतियां सुधारने नहीं बैठा हूँ, समझी तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे इस हल्दी कुमकुम के नाटक की वजह से मुझे पूरी जिंदगी ये डर डर के रहना पड़ेगा कि अगर एक दिन मुग्धा बाहर आ गई तो मैं क्या करूं, ये समझ में आती है तुम्हें? संपदा उठो, संपदा उठो। मुझे चिंता है तुम्हारी, फिक्र करता हूं मैं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहिए मुझसे पूछ कर करना चाहिए, है ना? पागल।
एक तो पता नहीं संपदा ये क्या नया हल्दी कुमकुम का नाटक कर रही है, ऊपर से चाची ने भी आई को ताना मारा। इन दोनों को ना दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। अतर, अतर, ये क्या? बहुत महंगे वाला इत्र है। तुम्हारा हवलदार पूरी जिंदगी कमाएगा ना, तब भी नहीं खरीद पाएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई शपथ, ये तुम और मल्हार राणे हर बात पे जिंदगी का ज्ञान क्या देने लग जाते? मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने होने के नाते दोस्त है ना, वो हल्दी कुमकुम के लिए बुलाने आया था। और तुम और मल्हारो साथ मिलकर वो कर रहे हो ना दुनिया के सामने ड्रामा, शादी का नाटक कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें बुलाने आया था। क्या कर रहे हो? हमारे घर में इतनी गंदगी कहां से आ गई कल्याणी? मल्हार राणे ज्यादा शान पत्ती करने की जरूरत नहीं। गंदगी कौन है और संपदा ने किसे अपनी जिंदगी से हिस्से बाहर फेंका है ना, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, पुराने कपड़े हैं मेरे, पहन लेना। वैसे भी मेरी पुरानी चीजों पे तुम्हारी हमेशा से नजर थी। मल्हार जी, हमारे कमरे में गंदगी की बड़ी बू आ रही है ना आजकल। आयशपत उड़ो, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उतना ऊंचा उड़ो, लेकिन जिस दिन बच्चे की कस्टडी संपदा के पास आ जाएगी ना, उस दिन उसी जमीन पर दम करके गिरोगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ना चाहते हुए भी संपदा के हल्दी कुमकुम में जाना ही पड़ेगा। पहले ही अपने घर में एक किराएदार की तरह रह रहे हैं, अब इस उम्र में सड़क की धूल चाटने की कोई हिम्मत नहीं हमें। आओ साहब, हमारा कारोबार अब फिर से चल पड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि अब आपको पैसे बचाने शुरू कर देने चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द संपदा और अथर्व का मुकाबला करें। आओ साहब, आपसे एक बात करनी थी। क्या बात? वो हमारे कॉलेज में ना फेयर है। क्या है फेयर? क्या मतलब? मेला, मेला। हाँ। तो उस मेले में ना विद्यार्थी अलग अलग दुकानें लगाते हैं, और जिस दुकान की बिक्री सबसे ज्यादा होगी ना कॉलेज उसे पुरस्कार देगा। तो फिर गांव वाले, विद्यार्थियों के घर वाले सब आएंगे खरीदी करने के लिए। तो मैं सोच रही थी हौसा कि मैं अपनी साड़ियों की भी दुकान लगा दूं, तो नए नए ग्राहक भी बन जाएंगे। नहीं ठीक है, मैं कल्याणी को मना कर दूंगी। पुरस्कार हमें ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ सर, हमें ही मिलेगा। मैं अब भी साड़ियों की पैकिंग करती हूँ। माई, कहाँ जा रही हैं? मैं चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में आप ही मिठाई बनाएंगे। वैसे भी पल्लवी मामी को तो मिठाई बनानी आती नहीं, ऐसे क्या देख रही हैं आप? अगर इनकार करने का सोच रही हो ना तो भूल जाओ, ये लो पैसे और जाकर काम शुरू करो। ये क्या कर रही हो तुम? अनुप्रिया को नौकरानी समझ के रखा है तुमने? हाँ साहब, इस घर के बाकी के लोग भी नौकर से कम थोड़ी ना है। पूर्ण रविराम, हाउसर
आप आपकी तबीयत मत बिगाड़िए, मैं कर लूंगी मिठाई। अगर ज्यादा है तो गरीबों में बांट दो। वैसे भी गरीबों में बांटने के लिए मैंने बहुत बार मिठाइयां बनाई हैं, तो ये मत समझना कि इस बार मैं डर के मारे बनाऊंगी। इस बार भी दान पुण्य की तौर पर ही मिठाइयां बनाऊंगी। सच में आई, तुम ना मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हो। अरे वो संपदा ने तुम्हारे बारे में इतना गलत गलत कहा, फिर भी तुम उसके दिखावे के हल्दी कुमकुम के लिए मिठाइयां बना रही हो, मुझे भी हेल्प करने के लिए कह रही हो। कल्याणी, मैं ये सब संपदा के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर कार्यक्रम की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हुई ना, तो लोग तो आउटसाइड पर कीचड़ उछालेंगे ना। बेइज्जती संपदा की नहीं, देशमुख परिवार की होगी। और वैसे भी अगर संपदा को जरा भी शक हुआ ना कि घर वाले उसकी हल्दी कुमकुम की रस्म में उत्साह नहीं दिखा रहे, तो वो तो सबको घर से बाहर निकाल देगी। और अब इस उम्र में आउटसाइड कहाँ जाएंगी। तुम यही रुकना, मैं ये सब अंदर लेकर जाती हूँ। ठीक से करो। हाँ। रुको। कहाँ कहाँ मुंह उठा के आ रही हो? हल्दी कुमकुम सुहागनों का रस्म होता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आने से मेरी बेटी की हल्दी कुमकुम में अपशगुन हो, समझी? इसलिए खबरदार, जो घर की दहलीज पार करने की कोशिश भी की तो। आत्या, आई से इस तरीके से बात करने का आपको कोई हक नहीं है। वो का? मैंने तो बोल दिया। क्या करोगी? हाँ? बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि मेरी आई इस हल्दी कुमकुम के फंक्शन में कैसे नहीं आती। अरे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। नहीं कल्याणी, तुम कुछ नहीं करोगी। ज्यादा बर्दाश्त करना कल्याणी का स्टाइल नहीं है। बस बहुत हुआ। कल्याणी, कल्याणी मेरी बात सुनो, तुम कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करोगी। आई देखो प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सबक तो मैं सिखा के ही रहूंगी। तुम क्या करने वाली हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे या याद आई याना। अरे वाह, गिफ्ट तो बहुत ही बड़ा लाई है ताई। हाँ, क्या है इसमें? किचन से? हाँ, आइए ना, आप आइए, बैठिए ना यहाँ पर। आओ साहब, मेरा तो ना यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हाँ, क्या करे, अगर संपदा को गुस्सा आ गया ना, तो फिर वो घर के सभी लोगों को बाहर निकाल देगी। इसलिए बस नाटक कर रही हूँ मैं खुश रहने का। ये सब नाटक है, टेंशन मत लीजिए आप। आपको तो पता है ना कैसी पागल लड़की है वो, एकदम सनकी है, कुछ भी कर सकती है। पल्लवी, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? हो का? वैसे आपको नहीं लगता कि आपको बहुत डरना चाहिए?
क्योंकि अगर मल्हार को पता चल गया ना कि आप ऐसे फुदक फुदक के संपदा के हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कर रही हो, तो कहीं मेरी जबान खींचने से पहले आपकी खाल ना खींच जाए, हो कि नहीं? अरे तो क्या करती मैं, अपनी बेटी के कार्यक्रम में नहीं आती क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं आती, जरूर आती। वैसे भी मल्हार घर पे है नहीं ना, इसलिए आपके पर निकल आया है। क्या हुआ कल्याणी, बहुत दुख हो रहा है? हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी ऐसी कोई रस्म नहीं हुई है ना? कोई बात नहीं, वैसे मैंने सारी औरतों को निमंत्रण दिया था, तुम चाहो तो तुम भी शामिल हो सकती हो। अरे संपदा तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड हो क्यों? अपने फंक्शन में ध्यान दो ना, जैसे तुम्हारी शादी में गड़बड़ हो गई उसी तरह फंक्शन में गड़बड़ हो गई तो। चलो चलो रसम शुरू करते हैं। आई रुको, आओ साहेब इस घर की बड़ी हैं, तो सबसे पहले हल्दी कुमकुम लगाने का मान आओ साहेब का ही है ना? है ना आओ साहेब? ये कच्ची हल्दी यहाँ कैसे आई, पिसी हुई हल्दी कहाँ है? या भैया मैंने तो पिसी हुई हल्दी यहाँ पर रखी थी, ये हल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? हो गया माई ने समय पर हल्दी पिसकर रख दी। पल्लवी। हाँ आई। कहा था ना मैंने कि मेरी आई के बिना मैं ये फंक्शन होने नहीं दूंगी। या भैया वो पिसी हुई हल्दी का डब्बा तो मिल ही नहीं रहा है। पर मैं सच कह रही हूँ कि मैंने इस थाली में पिसी हुई हल्दी सजा कर रखी थी, शपथ खरस बोलती है मैं। मामी तो हल्दी के बिना इस कुमकुम का मैं कर क्या? बताओ मुझे। और क्या कहना चाहती थी मामी आप, पीसी हुई हल्दी अपने आप कच्ची हो गई? हाँ ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना, तुम ही ने कह रहे ये सब। संपदा इस लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, रसोई में हल्दी पाउडर है, मैं अभी जाके लेके आती हूँ। लेकिन आई मल्हार जी से ना मेरा बात करने का बड़ा मन हो रहा है। एक काम करती हूँ ना, उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ, उन्हें भी तो यहाँ का नजारा मिलना चाहिए ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आत्या कैसे अपनी प्यारी बेटी का हल्दी कुमकुम कर रही है ना आत्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस झूठे नाटक की वजह से मेरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा? 5-10 रुपए की हल्दी की वजह से मैं अपना कार्यक्रम खराब होने नहीं दूंगी, समझे तुम? ओके फाइन। चिल्ला क्यों रहे हो यार, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मली सुनाई देता है मुझे। और वैसे तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने अभी अभी नेट पे पढ़ा कि ये जो हल्दी कुमकुम की रस्म होती है ना तभी पूरी होती है जब हल्दी घर पे पीसी हुई हो। संपदा ये तुम्हारी तो दूसरी शादी है ना, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। अरे मैं भी ना, जब शादी नकली है तो रिवाज कैसे भी हो
क्या फर्क पड़ता है ना? कल्याणी चुप रहो वरना। ये जो तुम्हारी नाजुक सी कलाइयां है ना, इन्हें अथर्व के पैसे उड़ाने के लिए बचा के रखो।